दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले टू थर्ड छतरपुर का अत्याधुनिक स्कूल। आम नागरिकों को आपराधिक तत्वों के आतंक से निजात दिलाने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। बीती रात छतरपुर जिले में कमिश्नरी सिस्टम की तर्ज पर नाइट कॉम्बिंग गश्त लगाते हुए पुलिस ने रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाइयां की। पुलिस का यह रौद्र रूप देख पूरे जिले के अपराधी थर्रा रहे हैं। दरअसल पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने 23 और 24 अप्रैल की दरमियानी रात सघन कॉम्बिंग गश्त के निर्देश दिए थे। इसके लिए थाना प्रभारियों ने पहले से लक्ष्य चिन्हित किए थे और निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार पुलिस टीमों ने एक ही समय पर जिले भर में गश्त शुरू की। सबसे पहले छतरपुर में रात के वक्त खुद पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने अधिकारियों को ब्रीफ किया। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो हो जाए, तो मैं ये मानता हूँ अभी तक ये जो सारी चीज़ें हैं वो हो गई होंगी। आज का जो हमारा उद्देश्य है समन्स वारंट परमानेंट वारंट और संपत्ति संबंधी अपराधी जो नाके आप लोग लगाएंगे वहाँ पे किस प्रकार से चेकिंग करेंगे, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर यदि खासकर परिवार के साथ कोई जाता है उसको परेशान ना करें, पर जो नई उम्र के लड़के हैं अकारण घूमते हैं जो कहीं पर भी गृह भेदन जैसी घटना को अंजाम दे सकते हैं उनको रोकना है, टोकना है, थाने लाना है, प्रॉपरली चेक करना है। इसी तरह अनुविभागों में अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारियों की टीमें रवाना की। पूरी कार्यवाही के दौरान जिले भर में कुल 382 समन, 143 गिरफ्तारी वारंट, 143 जमानती वारंट और 14 स्थायी वारंट तामील कराए गए। इसके अलावा धारा 173 8 के 41, धारा 299 के 58 आरोपियों सहित 40 अपराधियों के ठिकानों पर दबिश भी दी गई। कार्यवाही के दौरान कुल 81 माइनर एक्ट के प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। विभिन्न गंभीर अपराधों में फरार चल रहे 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पशु क्रूरता अधिनियम में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया। सभी थाना क्षेत्रों में निगरानी, बदमाशों, हिस्ट्री सीटर, जेल रिहाई और गुंडों की तलाश की गई। छतरपुर पुलिस इन दिनों SP सचिन शर्मा के नेतृत्व में लगातार अपराधियों और गुंडों पर नकेल कसने में जुटी हुई है।